में शाइनिंग स्टार्स, कैसे हैं बच्चों आप सब लोग। स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम कराने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक तरंग, हिंदी पाठ्य पुस्तिका बाय अमित पब्लिकेशन से। कौन सा पाठ? पाठ 10। और इस पाठ का नाम है उदासी खिलौनों की। और इसमें आप देख रहे हैं क्या बना है, संलग्न चित्र में कठपुतली खेल को दर्शाया गया है। इसके विषय में कुछ जानकारी लिखें। आपको कठपुतली का नाच बहुत पसंद है, आपने कठपुतली देखी है। कठपुतली का नाच होता है वो धागों से होता है, और कठपुतली ऐसे खूब अच्छे से करके नाचती है, और बच्चों को तो ये बहुत पसंद है। तो आप इसके विषय में लिख सकते हैं। बच्चों इसमें हमें क्या करना है, इसमें है संलग्न चित्र में कठपुतली खेल को दर्शाया गया है, इसके विषय में कुछ जानकारी दें। तो कठपुतली, ये देखिए कठपुतली बनी हुई है, तो हम लिख सकते हैं कि कठपुतली का नृत्य बहुत आकर्षक होता है, बहुत मनोरंजक होता है। कठपुतली का नृत्य बहुत आकर्षक और दूसरा हम लिख सकते हैं कठपुतली कहाँ की सबसे ज्यादा कठपुतली प्रसिद्ध है। कठपुतली राजस्थान राज्य की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो कठपुतली नृत्य जो होता है, इसके बारे में मैं आपको और भी बता सकती हूँ। कठपुतली जो होती है बहुत रंगीन, इसके जो आगे और पीछे दोनों तरफ से रंगी हुई होती है, और ये धागे से ऐसे ऐसे करके चलाते हैं, और ये जो है कठपुतली, इसका नृत्य बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही संगीत इसका बहुत खूब बजता है। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है, ये राजस्थान जो हमारा राज्य है वहाँ की कठपुतली, वहाँ का कठपुतली नृत्य बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, पाठ प्रवेश। खिलौने बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में सहायक होते हैं। ये बच्चों की गतिविधियों को बढ़ाते हैं और उनकी कल्पना को विकसित करते हैं। खिलौने बच्चों को तनाव मुक्त करके खुशनुमा महसूस कराते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले गेंद, ये गेंद है और ये क्या है, बल्ला। तो गेंद कह रही है बल्ले से, क्या बात है बल्लू भाई, लगते उदास हो, परेशानी बताओ तो कम करने का प्रयास हो, कम करने की कोशिश करें। तो बल्लू क्या बोल रहा है, मेरी परेशानी है जो सबकी परेशानी है, तुम्हें नहीं पता बहन, मुझे हैरानी है। गेंद बोली, फिर गेंद क्या कह रही है बल्लू से, साफ साफ कहो, बात मत घुमाओ, सबकी परेशानी है तो सबको बताओ। तो बल्लू क्या बोलता है, गुड्डे भी, गुड़िया भी, मिट्टी की चिड़िया भी, टेडी बियर, परिया भी, कारें भी और मोटर भी, बैडमिंटन, साइकिल, विमान भी परेशान है, हाल सब खिलौनों का एक ही समान है। ये देखिए इतने सारे खिलौने हैं लेकिन ये सब परेशान हैं। क्यों परेशान है, गेंद ने बोला। फिर गेंद कहती है किससे, बल्लू से, साफ साफ कहो, पहेली ना बुझाओ, जो भी परेशानी हो खुलकर बताओ। तो बल्लू बोलता है, जानती तो तुम भी हो क्यों हम उदास हैं, आज किस कारण से हम सब निराश हैं, दूर हुए हमसे वे हम जिनके खास हैं, छोड़ हमें बच्चे मोबाइल के दास हैं। देखा आपने, ये सारे खिलौने कितने उदास हैं, क्यों, क्योंकि जो बच्चे खिलौनों से खेलते थे आज वो बच्चे खिलौनों से नहीं खेल रहे हैं। टेडी बेयर से खेलते थे, परी से खेलते थे, गुड़िया से खेलते थे, बैडमिंटन से खेलते थे, विमान से खेलते थे, कितने सारे गेम्स से, कारों से खेलते थे, कितने सारे खिलौने थे, लेकिन बच्चे आज वो इन खिलौनों से नहीं खेल रहे हैं, इसलिए खिलौने सारे बहुत उदास हैं। आज के डेट में बच्चे किससे खेल रहे हैं, वो मोबाइल में लेके बैठ गए हैं, वो सारा टाइम मोबाइल चलाते हैं, इसीलिए बल्लू जो है वो बहुत उदास है। तो गेंद बोली, बात सही कहते हो लेकिन उनको कहाँ पता है मोबाइल पर खेल खेलना कितनी बड़ी खता है, यानी कितनी बड़ी गलती है। क्यों गलती है बच्चों इतना सारा मोबाइल खेलने से, क्योंकि हमारी आँखें खराब हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी, इसलिए मोबाइल से नहीं खेलना चाहिए। तो बल्लू कहता है, गेंद बहन तुम इन बच्चों को मत समझो नादान, ये चाहें तो कर सकते हैं हर मुश्किल आसान। तो गेंद कहती है, तो फिर हमको करना होगा बच्चों पर विश्वास,
अच्छे बच्चे कभी ना होंगे मोबाइल के दास। बच्चों आपके लिए भी एक सीख है, आपको भी सारा टाइम मोबाइल से नहीं खेलना है। मोबाइल के दास मतलब हमेशा इसको नहीं पकड़ के रखना है, इसके दास मत नहीं बनना है, हमें अपने खिलौनों से खेलना चाहिए। तो ये था इस कविता का सार। और अब हम चलते हैं कठिन शब्द, उदास, कारण, प्रयास, निराश, टेडी बियर, दास, विमान, विश्वास और पहेली। और अब आते हैं शब्दार्थ। उदास का अर्थ है दुखी, परेशानी मतलब कठिनाई, मिट्टी यानी माटी, विमान हवाई जहाज, खुलकर बताना साफ साफ कहना, निराश दुखी, पहेली बुझाना बात को घुमा फिरा कर कहना, दास का अर्थ है गुलाम और खता का मतलब गुलामी। खता का अर्थ है गलती, मेरे से ये खता हो गई यानी मेरे से ये गलती हो गई, जिसे इंग्लिश में आप बोलते हैं ना कितनी मिस्टेक्स करते हो आप, कितनी गलती करते हो, है ना, तो खता का अर्थ है गलती। और अब हम क्या चल रहे हैं, हमसे पूछा गया है खिलौने क्यों उदास हैं। बच्चों खिलौने क्यों उदास हैं, क्योंकि उनके साथ कोई खेल ही नहीं रहा है, बच्चे उनके साथ नहीं खेल रहे हैं, इसलिए वो सारे खिलौने उदास बैठे हैं। आपको कौन सा खेल पसंद है, बच्चों आपको कौन सा खेल पसंद है, आप ज़रूर अपने दोस्तों से बताना कि मुझको तो ये अच्छा लगता है या मुझको तो ये अच्छा लगता है। आपका फेवरेट गेम कौन सा है, कौन सा खेल पसंद करते हैं। यदि आपको किसी खिलौनों की दुकान पर खड़ा कर दिया जाए और आपको कोई एक खिलौना खरीदने के लिए कहा जाए तो आप कौन सा खिलौना खरीदोगे, ये भी आप अपने दोस्तों से पूछोगे और खुद भी बताओगे कि आपको अगर खिलौने की दुकान पर खड़ा करें तो आप कौन सा खिलौना खरीदोगे, ठीक। और अब हम चल रहे हैं सही विकल्प पर, हमें सही का निशान लगाना है। गेंद किससे बात कर रही है, बल्ले से, विमान से, गुड़िया से या खिलौनों से, गेंद बात कर रही है बल्ले से। कौन परेशान है, बल्ला, गेंद, बच्चा या मोबाइल, कौन परेशान है, बल्ला, बल्ला परेशान है। किन्हें नादान नहीं समझना चाहिए, खिलौनों को, बल्लों को, गेंदों को या बच्चों को, किन्हें नहीं नादान समझना चाहिए, हमें बच्चों को नादान नहीं समझना चाहिए। वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाएं। गेंद ने बल्लू की उदासी के बारे में पूछा, जी हाँ बिल्कुल सही, गेंद ने बल्लू की उदासी के बारे में पूछा, बल्लू ने बताया सभी खिलौने परेशान हैं, बिल्कुल सही। मिट्टी की चिड़िया खुश है, जी नहीं, मिट्टी की चिड़िया भी उदास थी क्योंकि कोई बच्चा खेल ही नहीं रहा था, तो मिट्टी की चिड़िया खुश नहीं, उदास थी। बल्लू ने कहा पहेली मत बुझाओ, जी नहीं, ये बल्लू ने नहीं, ये तो किसने कहा था, ये तो गेंद ने कहा था कि पहेली मत बुझाओ, और किसे कहा था, बल्लू से कहा था। और अब पाठ में जिन खिलौनों के नाम आए हैं हमें उन पर क्या करना है, हमें उन पर गोला बनाना है। तो किस किस के नाम आए थे, बल्ला का था, जी हाँ, चिड़िया का भी था, जी हाँ, बैडमिंटन का भी था, जी हाँ, कैरम बोर्ड का नहीं था, टेडी बियर का था, साइकिल का भी था, लूडो का नहीं था लेकिन मोटर कार का था, विमान का भी था, इन सब खिलौनों के नाम थे कविता में। आप भी ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको भी सारे नाम दिख जाएंगे, गेंद का भी था और परी का था, गुड़िया का था, ये सब नाम जो थे वो खिलौनों के नाम किसमें थे, कविता में थे। अब हमें निम्नलिखित प्रश्न, सबसे पहले बल्लू ने खिलौनों को किसका खास कहा, बल्लू ने खिलौनों को किसका खास कहा, बल्लू ने खिलौनों को बच्चों का खास कहा कि बच्चे खिलौनों के खास थे लेकिन आज वो बच्चे नहीं खेल रहे हैं। किनका हाल एक समान है, सारे खिलौनों का हाल एक समान है, कोई भी नहीं उन खिलौनों को, बच्चे उन खिलौनों को नहीं देख रहे हैं, तो सारे खिलौनों का हाल एक समान है, सभी क्या है, सभी उदास बैठे हैं, सब निराश बैठे हैं। बच्चे खिलौनों को छोड़कर किससे खेल रहे हैं, बच्चे खिलौनों को छोड़कर मोबाइल से खेल रहे हैं। कौन हर मुश्किल आसान कर सकते हैं, बच्चे हर मुश्किल को आसान कर सकते हैं, वो कोई नादान नहीं है, वो बहुत समझदार हैं। तो बच्चों आज का हमारा ये वाला पाठ आपको कैसा लगा, या आपको कविता कैसी लगी, मैं आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसके साथ हमारा पाठ समाप्त होता है,
आभार।